हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपीपीटी के रीचेक के रिजल्ट के रिगार्डिंग एक बार बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनना है। मेरे बार बार वीडियो बनाने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लगातार डीएम आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, भैया रिजल्ट हमारा कब तक आएगा। 22 तारीख आज हो चुकी है, रिजल्ट के अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको फिर से एक ऑफिशियल अपडेट जो आपके सचिव जी हैं उनके द्वारा जो अपडेट दी गई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। BTUP रिवोल्यूशन रिजल्ट कब आएगा, यानी कि BTUP का रीचेक रिजल्ट कब आएगा। लिखा, आपको पता है कि आप सभी छात्रों का स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आशा है कि छात्र स्कूटनी का फॉर्म भरे थे तो वो अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। जो स्कूटनी का रिजल्ट जारी करने का नोटिस BTUP के सचिव सर ने माध्यम से दिया गया, उस नोटिस में बताया गया कि आप सभी का रिवोल्यूशन या रीचेक का रिजल्ट अंतिम पड़ाव में है तथा जल्दी जारी किया जाएगा। तो मैं आपको उस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिस है, उसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लास्ट में लाइन देखिए, ये जो लास्ट में लिखा है, ये भी अवगत कराना है कि पुनः मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है। शीघ्र ही पुनः मूल्यांकन का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो आपका जो रीचेक की जो कॉपीज हैं उनका जो वर्क है वो लास्ट स्टेज पे चल रहा है, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया UFM वालों का रिजल्ट कब आएगा। तो UFM पे कार्रवाई चल रही है। UFM की जो बच्चों ने जो मतलब दलील दी एक टाइप से कि भैया हमने नहीं करी थी चीटिंग, जो यूनिवर्सिटी बुलाया गया था UFM वाले बच्चों को, उस पर वर्क चल रहा है। जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद UFM का भी, कुछ बच्चों का UFM में से जो बच्चे सही निकलेंगे उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी रीचेक का रिजल्ट 2 से 3 दिनों के अंदर भी जारी किया जाने की संभावना है। मेरी एक्सपेक्टेड डेट, अगर मैं आपकी अपनी तरफ से डेट बताऊँ तो मेरा मानना है कि 25 तारीख के बाद से, 25 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, 25 या 25 के बाद ही आपका रीचेक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।